कैसे बेशर्मुखी जैसे चला जा रहा है सुना एमबीए क्या चल रहा है ये क्या चल रहा है कब से फोन कर रही हूँ उठाने नहीं हो रहा है अरे कौन हो तुम मतलब ब्रेकअप बोल देने से ब्रेकअप हो जाता है क्या सारी चीजें खत्म हो जाती है तुम मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ चिल्लाए क्यों जा रही हो अच्छा मेरे को चिल्ला के बता रहे हो क्या चिल्ला के बता रहा हूँ मैं तो तुम्हें जानता नहीं हूँ ठीक है अपने रास्ते क्या दिक्कत है एक सेकंड अगर आपको क्या दिक्कत हो रही है मैं उससे बात कर रहा हूँ क्या दिक्कत क्या हो रही है पापा है वो मेरे समझी अपने रास्ते निकल पापा है वो मेरे और तू कौन है पहले बता अंकल आप बताओ हाथ मत दिखा समझ रही है ना दूर रह के बात अपने रास्ते जा तू शर्म आ रही है अपने बाप पापा के सामने आप चलो अरे जब मैं तुझे जानता ही नहीं हूँ तो क्या जानता नहीं तू क्या करके क्या बात कर रहा है सिखा रहे तो जानता नहीं है क्या बात कर रहा है क्या दिक्कत है पापा पता नहीं क्या दिक्कत है कौन सी लड़की मैं तो इसको जानता तक नहीं ये क्या बताएगा मैं बता रही हूँ मेरा बॉयफ्रेंड है 3 साल से अच्छा मैं तेरा बॉयफ्रेंड एक मिनट रुक जा मेरे को सुनने दे उसकी बात सुनने देना बोल उसकी बात क्या सुन रहे हो बेटा एक मिनट चुप रहना नहीं तू बोल ले अरे आप समझने की कोशिश तो करो ये फालतू का बेवकूफ बना रही है आपको पता नहीं ऐसे आ जाते हैं लोग ऐसे ही 3 साल से ना हमारा रिलेशन चल रहा है छोटी सी अच्छा 3 साल से मेरा रिलेशन चल रहा है वो भी तेरे साथ चल रहा है कितने सबको तो झूठ बोल रहा है मेरी गर्लफ्रेंड है दोस्त है अरे क्या बोल रही है ये पता नहीं क्या बोल रही है मैं तो उसको जानता तक नहीं एक काम कर जहाँ जिधर जा रही है फ्लैट लेके कौन रह रहा है मुझे क्या पता कौन रह रहा है तू रह रही होगी अरे पापा ये सुनो इसको एक काम करो आप घर चलो मैं इसको नहीं जानता अरे एक सेकंड क्या कर रहे हैं फिर बात तो कर ले चलो चलो क्या बात क्या छुपा रहे हैं अपने पापा से क्या बात मैं क्या बात छुपा रहा हूँ पहले मेरी बात सुन क्या चक्कर है तुम दोनों का पापा देखो मेरे को बता भी मैं सही बता रहा हूँ आपको मेरा इसके साथ कोई चक्कर नहीं हुई है ऐसे फालतू को बेवकूफ बना रही है ये लोग ऐसी होती है जो भी आता जाता है ना सबको ऐसे बेवकूफ बनाती है पैसे निकलवाने के लिए अच्छा मेरी क्या तेरे से कोई पर्सनल दुश्मनी भाई 3 साल से तो क्यों आके ऐसा कर रही है मैं तो तुझे जानता तक नहीं हूँ अंकल क्या सुनेंगे चुप करवा लो एक काम कर अंकल चुप लगा दूंगी देखो चुप हो जा भी बेटे आराम से बात करो थप्पड़ की बात मत करो आराम से बात करो मैं क्या कर रहा हूँ तू आराम से बात कर रहा है मैं क्या तू आराम से बात कर रहा है तो तू क्यों आके ऐसे बीच में हमको डिस्टर्ब कर रही है क्या डिस्टर्ब कर बात सुन एक मिनट बेटा बात सुन पहले एक बार बता यहाँ पर इतने जने घूम रहे ना और भी लड़के ना तेरे को क्यों बोल रही है आके पापा पता नहीं क्यों बोल रही है मुझे कुछ नहीं पता अच्छा तो मुझे पागल कुत्ते नहीं काटा जो मैं तुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा काटा है तभी तो पूरे सबके सामने मेरी इतनी बेइज्जती कर रही है तेरी क्या बेइज्जती कर रहा हूँ सुन ये काम करता तू पापा आप समझने की आपको मुझ पे भरोसा नहीं है अरे ये पता नहीं कौन है मुझे सच कह रहा हूँ काम में ध्यान लगता नहीं लड़कियों में ध्यान लगाया हुआ तूने आप मेरी बात समझने की कोशिश करो मैं मुंबई में रहती हूँ ये बंदे ने प्यार का ड्रामा करके मुझे यहाँ पे बुलाया 3-4 महीने से वहाँ पे रेंट नहीं भरा है कहाँ से मैंने तेरे को मुंबई से ड्रामा करके यहाँ पे बुलाया है तो कहाँ से बुलाया ऑनलाइन अंकल ऑनलाइन इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था काम कर अपनी ये बकवास बंद कर समझी और निकल तू निकल देखो तो मैं आप चलो आप चलो पहले बात सुन अब अंकल अब अगर तो पैसे कहाँ से आते हैं भैया फ्लैट का किराया देने के लिए कहाँ से आते हैं पैसे मैंने कोई फ्लैट ले ही नहीं रखा है झूठ बोल रही है पापा आप समझने की कोशिश तो करो अंकल एक काम करो आप मेरे साथ फ्लैट में चलो वहाँ पे सारे लोग ना हम लोग ना पति पत्नी से जाते वो क्यों जाएंगे फ्लैट में वो कहीं नहीं जाएंगे समझी तू तू खुद क्या कह रही है अरे क्या कह रही है पति पत्नी के नाम से जानते हैं अंकल मैं ऐसा कुछ नहीं है बेवकूफ बना रही है अच्छा आप तो देखते हो कि मैं खाली कॉलेज जाता हूँ उसके बाद घर सीधा चला आता हूँ मैं तो उसको जानता तक नहीं हूँ तो बेटा तेरे साथ मैं कॉलेज को ना जाता हूँ पीछे पीछे तू कहाँ जाता है क्या करता है मुझको क्या पता तो पापा आप मेरे बात पे विश्वास तो करो आप ऐसे इधर उधर के फालतू के लोगों पे विश्वास कर ले रहे हो कोई भी आके इधर ऐसे बोल रहा है ये नहीं है तू मेरा 5 लाख रुपया निकालो मैं अभी के अभी मुंबई जा रहा हूँ 5 लाख कैसे कैसे 5 लाख कैसा अरे अंकल बोला था शादी करूंगा घर से 5 लाख रुपए लेके भागी थी जुआ खेल कर खत्म कर दिया अच्छा मैं जुआ खेल तूने कहा मुझे 5 लाख रुपए दिए तू सिगरेट पीता है बियर पीता है कहाँ से आते क्या कर रही है तुझे जानता तक नहीं हो रहे पापा झूठ बोल रही है क्या कब मैंने सिगरेट पी अभी जब मैं अकेले घर में रहता मेरे पे हाथ तक उठाया है अच्छा हाथ पापा मैं इसको जानता नहीं मैं आप एक काम करो आप चलो मैं बता रहा हूँ तो पहले बात सुन इसकी ऐसे कैसे जा सकता है कैसे नहीं जाऊँ अगर तू सच्चा है तो खड़े होकर बात करना भाग क्या क्या खड़े होकर बात करूँ जब मैं तेरे को जानता तक नहीं हूँ बाप के सामने तो ऐसे ड्रामे करेगा ना तुझे तमीज है अरे ना मन तो आ रहा है थप्पड़ मारूं ये पे कान पे घुमा के पापा आपको किसी लड़की की जिंदगी खराब करे तू पापा आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं मैं क्यों जिंदगी खराब करूं मैं तो इसको जानता तक नहीं हूं मैं सच कह रहा हूं पापा इसको मैंने ना सुबह से 100 फोन किए 100 मैसेज के ब्लॉक कर रखा है बंदा कॉल नहीं उठा रहा अननोन नंबर से मैं इसको कॉल लगाए जा रही हूं अरे कितना झूठ बोलेगी झूठ बोल रही हूं तू तो अभी झूठ ही बोलेगा ना तुम्हारे पे अच्छा बेटा ये बताओ तुम्हारे पे सबूत क्या है अंकल सबूत इसके पास कुछ सबूत नहीं है पापा मुझसे पूछो ना ये झूठ बोल रही है ये सब लड़कियां ना ऐसा ही करती है पैसे निकलवाने के लिए बस अब मैं ऐसी हो गई हां ऐसी ही है तू पैसे निकलवाने के लिए ऐसी कर रही है ना एक हफ्ते पहले ना छोटी सी बात पे बंदे ने झगड़ा किया था मेरे को बोलता मुझे नहीं रहना मैं तेरे 5 लाख रुपए देता हूँ तो सारे फोटो वीडियो डिलीट कर दे मेरे को तेरे से कोई रिश्ता नहीं रखना है अब जाके मुझे पता पड़ा दूसरी बंदी के साथ घूम रहा है ये बंदा क्या अच्छा पापा ये झूठ बोले कौन सी बंदी के साथ घूम रहा हूँ वो प्रिया रिया कौन है अपना ये मुंह ना बंद रख समझी बंद रख पापा आप समझने की कोशिश तो करो थप्पड़ मारना चाहिए कोशिश तो करो
क्या समझूं मैं? अरे झूठ बोल रही है अंकल। अरे कोई लड़की अपनी इज्जत ऐसी खराब करेगी? अरे कमाल कर रहा है तू। इन लोगों का यही काम होता है केवल पैसे निकलवाने के लिए। तू है ना घर से निकल, मेरे को तेरे साथ रखना ही नहीं, तेरे को अपने पास खराब कर रखी है। समझ गया ना? कर दूंगी अब तो। आप समझने की कोशिश, मैं आपको सारी बात घर पे चल के बताता हूँ, इसकी बात मत सुनो पापा। मैं बता रहा हूँ ये लड़कियाँ ऐसी करती हैं बस पैसे। हाथ छोड़ मेरा, घर चल कर चलो। पापा प्लीज समझने की कोशिश तो करो। अच्छा अंकल, क्या समझू तेरे? क्या समझू क्या अंकल? अंकल वो मैं ना सामने कैमरा लगा हुआ है, मैं आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक कर दी थी बेटे। ये क्या क्या आपने दे दिया? ये क्या क्या बेटे? अंकल देखो सॉरी, मैं सही में इसको नहीं जानती हूँ कुछ भी, मैं आपको भी नहीं जानती हूँ। अरे छोटा सा मजाक कर। तो बेटे ऐसे नहीं करना चाहिए ना, आपको बताओ अभी आपने मुझ पर शक कर रहे। मैं तो अपने बेटे को मारने वाला था। अभी तो मैंने बता दी। लेकिन बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। अंकल देखो सॉरी, मतलब एक छोटा सा मजाक था, समय आपको हर्ट की, आपको भी भाई सॉरी, मैं भाई बोल रही हूँ। ये वीडियो हम अपने सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत ना हो तो डाल लो बेटे, लेकिन आगे के लिए ध्यान रखो तो प्लीज। जी जी जी, ठीक है। छोटा सा मजाक था, इतने दिल पे मत लो, इसको मारो पीटो मत, अच्छा भला लड़का है पता। सॉरी बेटे। अरे कोई नहीं।